नमस्कार फ्रेंड्स, एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे यूनिक ऑनलाइन गुरु चैनल में। जैसा कि हमने बता दिया है पहले कि होम मेनू हम लोग पढ़ चुके हैं, इंसर्ट मेनू पढ़ चुके हैं। अब हम लोग बात करने वाले हैं किस पे? पेज लेआउट पे। एमएस ऑफिस का जो दूसरा मेनू है पेज लेआउट, हम लोग बात करेंगे उस पे, ठीक है? तो मित्रों, हम लोग चलते हैं सीधे अपने थर्ड टॉपिक पे जिसका नाम है पेज लेआउट। बात करते हैं पेज लेआउट की। तो देखिए, हमने होम मेनू जब पढ़ा तो हमने ये सारी चीज़ें पढ़ ली थी। इसमें होम मेनू में ये सारी चीज़ें पढ़ ली थी, इंसर्ट मेनू में ये सब पढ़ लिया है। जो लोग नहीं पढ़े हैं वो लोग पीछे प्लेलिस्ट में जाके या फिर वीडियोस में जा करके होम मेनू इंसर्ट मेनू पढ़ लेंगे ताकि उनको पेज लेआउट में कोई प्रॉब्लम ना हो। चलिए हम लोग बात करते हैं पेज लेआउट की दोस्तों, ठीक है? तो पेज लेआउट में जो पहला ऑप्शन होता है वो है थीम का। क्या है? थीम का ऑप्शन है। अब ये बताता है कि थीम हम कैसा लेना चाहते हैं। जिस अकॉर्डिंग हम थीम लेना चाहते हैं वैसा थीम हम दे सकते हैं अपने इस प्रोग्राम को, अपने इस लैंग्वेज को, अपने इस डॉक्यूमेंट को। हम देखिए थीम चेंज कर दे सकते हैं। देखिए यहाँ आराम से हम लोग पहले तो हम लोग सेलेक्ट कर लेते हैं या फिर हम लोग कंट्रोल ए से सेलेक्ट कर लेते हैं, ठीक है? हम लोग क्या के कंट्रोल ए सेलेक्ट कर लिए, फिर उसके बाद हम क्या करते हैं थीम चेंज कर दीजिए आसानी से। देखिए जिस थीम में देना चाहें उस थीम को हम लोग आसानी से चेंज कर सकते हैं। ये हमारे हाथ में है कि हम कैसी इसकी देना चाहते हैं, कैसा इसका फॉन्ट देना चाहते हैं या कैसा थीम देना चाहते हैं, ये सब कुछ हम लोग आसानी से चेंज कर सकते हैं, ठीक है? उसके बाद जो हमारा अगला ऑप्शन है वो है कलर का। क्या है वो? कलर का ऑप्शन है। अब हम लोग क्या कलर देना चाहते हैं, बात समझ रहे हैं हमारी बात? हम क्या कलर देना चाहते हैं ये हमारे ऊपर डिपेंड करता है। जैसे मान लीजिए हमें कलर देना है तो हमने क्या किया, इतना सेलेक्ट कर लिया। उसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ चले जाएंगे, जो कलर देना चाहेंगे आसानी से हम लोग दे सकते हैं। वो उसी अकॉर्डिंग लेगा जिस अकॉर्डिंग आपका वो रहेगा, जो थीम रहेगा उसके अकॉर्डिंग अपना कलर की चूज़ कर लेगा। देखिए देखिए कलर चेंज हो गया कि नहीं। तो ये हम लोग आसानी से कलर चेंज कर सकते हैं, इसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। फिर उसके बाद अगला आता है हमारा फॉन्ट। क्या आता है अगला? अगला आता है हमारा फॉन्ट। अगर हम फॉन्ट की बात करें तो देखिए फॉन्ट हम लोग जो फॉन्ट देना चाहें वैसे दे सकते हैं। यहाँ क्रिएट न्यू फॉन्ट भी हम लोग आसानी से दे सकते हैं। ये हमारे पास जो है ये सारे फॉन्ट्स अवेलेबल हैं, ठीक है? तो हम जो फॉन्ट देना चाहें, जैसे फॉन्ट देना चाहें वैसे फॉन्ट दे सकते हैं। सब कुछ हम लोगों के हाथ में है, तो हम लोग यहाँ से क्या कर सकते हैं, कोई भी फॉन्ट आसानी से दे सकते हैं। देखिए इसके बाद का जो हमारा ऑप्शन है वो है इफ़ेक्ट का। और इफ़ेक्ट की अगर बात करें तो बेसिकली इसका जो वर्क है वो है पावर पॉइंट में। किस में है? पीपीटी में है। तो इसका वर्क यहाँ ज़्यादा तो है नहीं, लेकिन फिर भी मैं बता देता हूँ आपको कि इसमें क्या होता है। जैसे पावर पॉइंट में क्या होता है, हम लोग पेज बनाते हैं और उसको चेंज करते हैं तो उसमें इफ़ेक्ट देते हैं कि हमारा पेज जब चेंज हो तो कौन सा इफ़ेक्ट हो। तो यही सारे इफ़ेक्ट हैं जो भी हम लोग देना चाहें इस पर दे सकते हैं, ताकि हमारा जब पेज चेंज हो, जब हमारे पेजेस चेंज हो तो इफ़ेक्ट इस पर दे। तो इसका काम यही होता है दोस्तों। ऑफिस अपैक्स एस्पेक्ट्स, ये सीवी, ये सारी चीज़ें क्या हैं, ये आसानी से हम लोग दे सकते हैं। आसानी से अपने पेज को जब चेंज करेंगे तो क्या होगा, मैटर क्लियर हो जाएगा और तैयार हो जाएगा। उसके बाद आता है हमारा अगला टॉपिक जिसका नाम है मार्जिन। अगर हम मार्जिन की बात करें तो मार्जिन एक बहुत ही अच्छा टॉपिक है। इसकी बात अगर हम कर लें तो बहुत अच्छा टॉपिक है, क्योंकि जानते हैं इसमें क्या होता है, इसमें पेज के जो चारों तरफ की एरिया होती है उसको कवर करता है। क्या करता है? जो पेज की चारों तरफ एरिया होती है, जैसे मान लीजिए हम लोग नैरो कर दिए, देखिए ऑटोमेटिक क्या हुआ, हमारा जो लिखा हुआ है जो टेक्स्ट है वो देखिए पूरा कवर कर लिया, इधर कर लिया ना। लेकिन अगर हम नैरो की बजाय कुछ और कर दें, नॉर्मल कर दें, तो देखिए नॉर्मल में थोड़ा स्पेस इधर दे दिया, थोड़ा स्पेस इधर दे दिया, थोड़ा ऊपर थोड़ा नीचे, देखिए दे रहा है कि नहीं दे रहा। देखिए हम पूरा पेज आपको एक दिखाते हैं, देखिए अब ये क्या कर रहा है कि देखिए चारों तरफ से स्पेस दे दिया कि नहीं। नॉर्मल यही मार्जिन होती हैं, जो नॉर्मल बाय डिफ़ॉल्ट मार्जिन होता है वो यही होता है। उसके बाद हम क्या कर सकते हैं, यहाँ से वाइड भी दे सकते हैं। अब देखिए पेज के चारों तरफ, ठीक है, क्या है, पेज के चारों तरफ देखिए ज़्यादा स्पेस वाइड है, लंबा चौड़ा है ना, तो ये हम आसानी से दे सकते हैं। यहाँ से कस्टम मार्जिन भी कर सकते हैं। मान लीजिए हमें मार्जिन क्या करना है, बिल्कुल भी नहीं देना है, तो हम लोग क्या करेंगे, टॉप बॉटम हर जगह 0-0 कर देंगे। देखिए यहाँ पे एक थोड़ा सा स्पेस चाहिए, चाहे वो लेफ्ट में दे सकते हैं चाहे टॉप में दे सकते हैं, तो और चारों तरफ लेकिन फुल फिल कर देगा। तो देखिए हमारा जो मार्जिन क्या किया, चारों तरफ ले लिया है, ऊपर नीचे दाएं बाएं हर जगह ले लिया। ऊपर थोड़ा सा वो स्पेस इसलिए छोड़ता है क्योंकि हमें हेडिंग देनी होती है, ठीक है? तो हम लोग मार्जिन देख लिए यहाँ से,
चलिए, अगर हम लोग मार्जिन देखें, उसके बाद पेज ओरिएंटेशन होता है। क्या होता है? पेज ओरिएंटेशन होता है। इसमें क्या होता है, जैसे हमारा पेज जो होता है वो प्रोटेंट और लैंडस्केप बोथ होता है, प्रोटेंट और लैंडस्केप बोथ होता है। तो हम लोग प्रोटेंट में अपने पेज को सीधा और लैंडस्केप में क्या कर सकते हैं, लैंडस्केप। तो मतलब क्या है, हम अपने पेज को दो प्रकार से प्रिंट करते हैं। जैसे मान लीजिए कभी भी आप लोग देखा होगा कि जो हमारे प्रिंट होते हैं पेज, कभी कभी प्रोटेंट में होते हैं और कभी कभी लैंडस्केप में होते हैं। तो वो यही सेटिंग होती है पेज लेआउट्स के अंदर से ओरिएंटेशन ऑप्शन में जब हम लोग जाएंगे तो हमारे पास यही सेटिंग मिलेगा कि हम लोग क्या करें, लैंडस्केप करें या फिर और कोई ऑप्शन हम लोग क्लियर करें। ठीक है, प्रोटेंट और लैंडस्केप दो ही ऑप्शन ही होते हैं, तो दो ऑप्शन हम लोग यहाँ से आसानी से कर सकते हैं। उसके बाद देखिए हमारा अगला ऑप्शन है साइज। अब ये कह रहा है पेज की साइज क्या होनी चाहिए, पेज की साइज क्या होनी चाहिए। तो हमारे पास लेटर, ये टैबलॉइड्स, लीगल, A3, A4, A5, B4, B5, जापानीज, ये सारे क्या हैं, ये ऑप्शन हैं। अगर हम A4 पे क्लिक करेंगे तो हमारा पेज एकदम एग्जैक्ट A4 का साइज हो जाएगा, एकदम एग्जैक्ट A4 का साइज लेगा। ठीक है, देखिए एकदम एग्जैक्ट A4 का साइज ले लिया कि नहीं ले लिया है। हम यहाँ से लीगल देंगे तो लीगल ले लेगा, थोड़ा लंबा हो जाएगा, हो गया थोड़ा लंबा हो गया ना पेज, तो हम लोग यहाँ से लीगल भी दे सकते हैं, A5, B4, ये सारे हम लोग ऑप्शंस दे सकते हैं। उसके बाद अगला ऑप्शन है हमारा क्या, कॉलम का। क्या है भाई, अगला ऑप्शन है हमारा कॉलम का। अगर हम बात करें कॉलम की, तो कॉलम क्या होता है, अगर हम बात करें कॉलम की, तो कॉलम 1, 2, 3, 4, जितना कॉलम हम लोग देना चाहें दे सकते हैं। जैसे मान लीजिए कि हमने क्या किया, इसको सेलेक्ट कर लिया। देखिए हम यहाँ से क्या किया, इसको सेलेक्ट कर लिए और सेलेक्ट करने के बाद हमें कॉलम देना है। तो हम कॉलम 1 देंगे तो एक लाइन में होगा, 2 देंगे 2 में होगा, 3 देंगे 3 लेफ्ट में देंगे, राइट राइट जैसा दे सकते हैं, मान लीजिए 3 में देना है। देखिए ऑटोमेटिक ये 3 लाइन में हो गया कि नहीं हो गया, सारे मैटर आपके 3 लाइन में हो गए भाई, सारे मैटर आपके 3 लाइन में हो गए कि नहीं हो गए। ठीक है, तो हम क्या कर सकते हैं, यहाँ से कॉलम 3 लाइन 4 राइट, मान राइट में देना है थोड़ा सा तो राइट में दे सकते हैं, लेफ्ट में देना है तो लेफ्ट में दे सकते हैं, वो हम पर डिपेंड करता है कि हम लोग क्या करते हैं। उसके बाद मान लीजिए हमें और कॉलम्स देने हैं, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10 देने हैं, मान लीजिए 10 देने हैं, प्लस और बिटवीन में लाइन होना चाहिए। तो हम क्या करेंगे, यहाँ से 10 लाइन पे क्लिक करेंगे और सब में लाइन दे देंगे। देखिए हम लोग आसानी से दे दिए कि नहीं दे दिए, दे दिए ना। तो ये ऑप्शन होता है हमारा क्या, कॉलम्स का। क्या ऑप्शन होता है, ये कॉलम का होता है। ठीक है, चलिए हम लोग आगे चलते हैं। अगला है हमारा ब्रेक। क्या है, अगला है हमारा ब्रेक। अगर हम बात करें ब्रेक की, तो ब्रेक में क्या होता है कि हम लोग पेज ब्रेक करते हैं। कैसे पेज ब्रेक कर सकते हैं, कॉलम ब्रेक कर सकते हैं, टेक्स्ट रैपिंग, नेक्स्ट पेज, कंटिन्यूअस, इवन पेज, ऑड पेज, ये सारे ऑप्शंस इसी के अंदर होते हैं ब्रेक के। तो हम लोग कैसे ब्रेक करते हैं इसके बारे में जानते हैं। जैसे मान लीजिए हमें, हमने कहीं कुछ लिखा, जैसे मान लीजिए हमने यहाँ पे कुछ भी लिखा और लिखा, इसके बाद हम क्या करेंगे, हम चाहते हैं कि जो हमारी अगली लाइन है वो अगले पेज से आए, तो कैसे होगा, वो ऑप्शन हमारे पास कहाँ होता है, ब्रेक में होता है। कहाँ होता है, ब्रेक में होता है। और जैसे मान लीजिए हम जाके यहाँ पेज ब्रेक कर दिए, देखें इसके बाद से जो हमारा दूसरी लाइन है वो देखिए अगले पेज पे चली गई, चली गई कि नहीं चली गई, चली गई ना। आप लोगों तक आवाज़ पहुँच रही हो तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें एक बार, ताकि हमको भी बात समझ में आए कि हम कुछ पढ़ा रहे हैं तो आप लोगों को समझ में आ रहा है। ठीक है, नहीं तो मेहनत का कोई फ़ायदा नहीं है। तो यहाँ से हम लोग आसानी से ब्रेक कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं, कॉलम को भी ब्रेक कर सकते हैं, रो को भी कर सकते हैं, हमारे पास सारे ऑप्शंस हैं, हम यहाँ से कर सकते हैं। उसके बाद लाइन नंबर होता है, ये कॉन्टिन्यूस कर सकते हैं, जैसे हमारा जो लाइन नंबर है वो कॉन्टिन्यूस कर सकते हैं हम लोग। उसके बाद कॉन्टिन्यूस करने के बाद अगला ऑप्शन क्या होता है हमारा, रिस्टार्ट ईच पेज, हर पेज पर नया एक नंबर हमारा दे, ये सही नहीं है। तो हम लोग क्या करेंगे, कंटिन्यूअस पे करके छोड़ देते हैं। ये हाइपनेशन होता है, इसमें 3 ही ऑप्शन होते हैं, ऑटोमेटिक, मैनुअल और नन। तो हम लोग हमेशा नन पे रखते हैं, क्योंकि ऑटोमेटिक कर देंगे तो ऑटोमेटिक ये चीज़ें लेती रहेंगी। देखिए तो ऑटोमेटिक हम लोग नहीं करते हैं, नन पे रखते हैं। ठीक है, ताकि जो हमारा वो ऑप्शंस हो, जो हमारे पेजेस हो, जो हमारी लाइनिंग हो, जो हमारे वर्ड्स हो, हमें क्लियर पता चले। उसके बाद अगला ऑप्शन हमारा क्या है, अगला ऑप्शन है हमारा वाटर मार्क का। क्या है, वाटर मार्क का है। अगर हम बात करें वाटर मार्क की, तो जो वाटर मार्क है, वाटर मार्क से हम लोग क्या जानते हैं भाई, वाटर मार्क का मतलब होता है किसी भी पेज के पीछे अपना छाप छोड़ना।
जैसे कि मान लीजिए आप लोग कभी एग्ज़ाम वगैरह देने जाते होंगे, तो आप लोग को जो पेजेस मिलते हैं उस पेजेस के पीछे उस कंपनी का या फिर उस इंस्टीट्यूशन का, उस स्कूल का लोगो या नाम लिखा होता है, तो वो यहीं से होता है, कस्टम वाटरमार्क से ही होता है। हम लोग चाहे तो यहाँ से टेक्स्ट भी दे सकते हैं, और चाहे हम लोग तो यहाँ से हम लोग पिक्चर भी दे सकते हैं। हमारे पास दोनों ऑप्शन है। कैसे करते हैं देखिए, हम बताते हैं आप लोगों को दोनों हम लोग कैसे करते हैं, ठीक है? चलिए, उसके बाद हमारा सबसे पहले क्या है, नो वाटर मार्क, पिक्चर वाटर मार्क पहला। तो पिक्चर वाटर मार्क में जब हम लोग सेलेक्ट करेंगे यहाँ से, तो देखिए हमारे पास दे देगा इनकी फ़ोटो, मान लीजिए हमें लगानी है, तो हम क्या करेंगे यहाँ सेलेक्ट करके ओके कर देंगे। अब देखिए सारे पेज पे इनकी फ़ोटो आ जाएगी, ध्यान से देखिए आप लोग, सारे पेज पे इनकी फ़ोटो आ गई कि नहीं आ गई भाई? सारे पेज पे इनकी फ़ोटो आ गई, देखिए। तो यहाँ से हम लोग वाटर मार्क दे दिए। अब यहीं पे अगर हम लोग कुछ लिखना चाहते हो, तो हम लोग टेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। किस पे जाएंगे? टेक्स्ट पे। और यहाँ से टेक्स्ट पे क्लिक करके लिख देंगे यूनिक। क्या लिखेंगे? यूनिक ग्रुप, ग्रुप करेंगे, ठीक। उसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ से कलर चूज कर सकते हैं, जिस कलर में देना चाहें, फॉन्ट जो हम लोग देना चाहें, ये हमारे ऊपर डिपेंड करता है। हम यहाँ से ओके कर देंगे। अब देखिए यूनिक ग्रुप रेड कलर में फॉन्ट वही आ रहा ना जो हम लोगों ने दिया। तो ये सारे पेजों के पीछे आएगा, अब सारे पेज के टेक्स्ट के पीछे आएगा, ये अपना छाप छोड़ दिया है। तो ये होता है हमारा क्या, वाटर मार्क। उसके बाद पेज के कलर, ये तो बहुत नॉर्मल सी बात है कि हम लोग किसी भी पेज को कलर दे सकते हैं, चाहे जो भी, आसानी से ब्लैक देना चाहें ब्लैक दे सकते हैं, ग्रीन जो भी चाहें, जैसा भी चाहे, हम लोग आसानी से यहाँ से क्या कर सकते हैं, कलर दे सकते हैं, ठीक है? फिर उसके बाद हमारा अगला है पेज नंबर, पेज बॉर्डर। क्या है? पेज बॉर्डर। अगर हम बात करें पेज बॉर्डर की, तो हम आपको बता दें जो पेज बॉर्डर का मतलब होता है कि हम लोग क्या कर सकते हैं, बॉर्डर लगा सकते हैं किसी भी डॉक्यूमेंट में, किसी भी रिज्यूम में, किसी भी एप्लीकेशन लेटर, कुछ भी बना रहे हैं उसमें हम लोग आसानी से बॉर्डर ऐड कर सकते हैं यहीं से। अब बॉर्डर में क्या होता है कि बॉर्डर भी कई प्रकार के होते हैं, ठीक है? हम लोग चाहें तो बॉक्स में, शैडो में, 3D में, कस्टम में, जैसा लेना चाहें वैसा ले सकते हैं। मान लीजिए हमें बॉक्स में लेना है, फिर उसके बाद हमें ये चूज़ कर लेते हैं इसमें से हम लोग कौन सा मोटा लेंगे। चलिए देखिए, हम लोग बॉर्डर लगा दिए अच्छे से। इस ये भी पसंद नहीं आया हमें, कुछ और बॉर्डर देना है, तो देखिए नीचे दिया होता है, हम लोग जो चाहें आसानी से अच्छा दे सकते हैं, बुरा से बुरा दे सकते हैं, ठीक है? वो अपने पास ऑप्शंस होते हैं कि हम लोग क्या दे सकते हैं। मान लीजिए हमें यही ऑप्शन देना, देखिए हमने क्या किया, पहाड़ दे दिया चारों तरफ, हो गया ना? तो ऐसे हमारा बॉर्डर होता है जो कि हम लोग आसानी से बॉर्डर दे सकते हैं। यहाँ भी वही चीज़ है, ठीक है? उसके बाद ये शेडिंग है, तो शेडिंग से मतलब नहीं है हमें कोई, हम यहाँ से आराम से बॉर्डर देना सीख गए, ठीक है? फिर उसके बाद होता है इंडेंट। अब ये इंडेंट जो होता है, आप लोगों को पता है किसको हम लोग इंडेंट कहते हैं? क्या कहते हैं इसको हम लोग? इसको हम लोग इंडेंट कहते हैं, और इंडेंट को हम लोग लेफ्ट में कर सकते हैं, राइट में कर सकते हैं। देखिए जो हमारा कर्सर है ऑटोमेटिक, ये कर्सर देखिए इधर चला जाएगा, देखिए अभी देखिए जा रहा है ना, तो ये लेफ्ट, और ये देखिए सामने इधर भी बढ़ रहा है, तो ये दोनों चीज़ बढ़ रही है ना, तो इसका मतलब इंडेंट काम कर रहा है। फिर इसके बाद हम लोग घटा भी सकते हैं, ठीक है? उसके बाद हमारा पास ऑप्शन होता है कि हम लोग राइट से, अब हम लोग इधर से इधर करें इंडेंट को, तो ये हमारा ऑप्शन है, देखिए हो रहा है ना? तो अब ये जो टेक्स्ट है इसके इधर ही लिखाएगा, इधर नहीं लिखा सकता, तो ये इंडेंट होता है दोस्तों, ठीक है? फिर उसके बाद हमारा स्पेसिंग है। क्या है? हमारा स्पेसिंग है, मान लीजिए हमने इसको सेलेक्ट कर लिया, फिर उसके बाद हम स्पेस देना चाहते हैं इसमें, देखिए ऑटो, और बढ़ाना चाहते हैं जितने पैराग्राफ्स हैं सब में ज़्यादा ज़्यादा स्पेस हो जाए, तो हम लोग आसानी से यहाँ क्या कर सकते हैं, ज़्यादा ज़्यादा स्पेस दे सकते हैं, या आफ्टर भी दे सकते हैं, और हम लोग कम भी कर सकते हैं, ज़्यादा भी कर सकते हैं, ठीक है दोस्तों? फिर हम लोग बात करें, इसके बाद हमारा एक ऑप्शन बचता है जिसका नाम है एलाइजिन। अब एलाइजिन तो आप लोग जानते हैं, एलाइजिन टू मार्जिन होता है और एलाइजिन टू पेज होता है। तो हम लोग यहाँ से एलाइजन टू मार्जिन और एलाइजन टू पेज आसानी से दे सकते हैं, ठीक है? तो ये हमारा है पेज लेआउट दोस्तों, ठीक है? इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।